नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धन और भौतिक सुखों के कारक ग्रह और आपके राशि के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 18 जून 2022 की सुबह में 8:06 पर शुक्र मेष राशि से निकलकर आपकी राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 13 जुलाई 2022 तक शुक्र आपकी राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अभी पूर्व के समय में आपके राशि के स्वामी शुक्र राहु के साथ गोचरी स्थितियों में आपके राशि से 12वें भाव में मौजूद थे, तो वृषभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब ये परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार की संभावना दे रहा है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो शुक्र को भौतिकता का, व्यापारी जीवन का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, शेयर मार्केट का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ शुक्र को पत्नी का, भौतिक सुखों का, चटपटा खाना, सजावटी सामान, इन सभी विषयों का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रभाव ही होता है। जन्म कुंडली पर यदि शुक्र बलि होकर बैठे हुए हो, जन्म कुंडली पर शुक्र की बलि स्थितियां कई प्रकार की सफलता जीवन में जातक को देती है। शुक्र यदि बलि हो तो जीवन में हर प्रकार की सफलता परिवार को लेकर देखने के लिए मिलती है। शुक्र के बलि होने पर जातक के अंदर कई प्रकार के क्रिएटिव आइडियाज, नए नए विचार देखने के लिए मन में मिलता है और संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में कम प्रयास करने पर ही सफलता देखने के लिए मिलती है। जन्म कुंडली पर बलि शुक्र का प्रभाव जातक की वाणी को मधुर बनाता है। जातक देखने में सुंदर होता है, वही जीवन में व्यापारिक जीवन में भी सफलता देखने के लिए मिलती है और शेयर मार्केट में भी सफलता ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं जन्म कुंडली पर खराब शुक्र का प्रभाव, कमजोर शुक्र का प्रभाव कई प्रकार की अनिश्चितता और जीवन में चुनौतियां देता है। शुक्र के पीड़ित होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्स के रोग, श्वेत प्रदर जैसी समस्या, पागलपन की समस्या, मानसिक रूप से घबराहट, वहीं शुक्र के पीड़ित होने पर भौतिक चीजों की कमी देखने के लिए मिलती है, यानी भौतिक सुखों की कमी देखने के लिए मिलती है। और यदि जन्म कुंडली पर शुक्र कमजोर हो तो जातक को परिवार का सुख नहीं मिल पाता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में ये नीचस्थ स्थितियों में होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके राशि के स्वामी ही किस प्रकार की संभावना निर्मित करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए शुक्र विशेष रूप से लगन भाव और राशि के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। आपके राशि के लग्नेश और रोग भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जिनका गोचर 15-18 जून को आपके राशि से लगन भाव में ही होने वाला है। राशि के लगन से व्यक्ति के शरीर, चरित्र, व्यक्ति की मनोस्थिति, मान सम्मान, इन सभी चीजों का विचार करते हैं। तो आपकी राशि के लगन भाव में शुक्र मौजूद होकर कई प्रकार की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र देने वाले हैं। शुक्र सबसे पहले आपके जीवन में सकारात्मकता काफी ज्यादा दे देंगे, इसलिए वृषभ राशि के करियर के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके मन में एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। वृषभ राशि के जातक यदि पूर्व के समय से
किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय मन में सोच कर लिए हुए हैं, उसको क्रियान्वित जीवन में करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह प्रभाव भवन, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में आपको बड़ी सफलता दे सकता है। यदि आप इन सभी चीजों के खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। शुक्र का यह प्रभाव यदि वृषभ राशि के जातक इस समय अंतराल में शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न है, जैसे जो जातक कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, नाटक करते हैं, या तो फिल्म विधा में जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हैं, आर्किटेक्चर है, शेयर मार्केट से आपका जुड़ाव है, बुटीक की दुकान है, या तो सजावटी सामान आप बेचते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, कपड़ों से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय है, दुग्ध से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय है, या इनकम टैक्स विभाग में वृषभ राशि के जातक संलग्न है, इन सभी चीजों पर कार्य कर रहे जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। शुक्रदेव इस समय अंतराल में वृषभ राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से यदि किसी प्रकार की पूर्व के समय में समस्या बनी हुई थी उससे आपको निजात देने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को यदि पूर्व के समय से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था उससे अभी आपको निजात मिलने वाली है। आपके लगन भाव में मौजूद होकर शुक्र बुध की युति आपकी राशि के लिए विशेष योग कारक निर्मित स्थितियां कर रही है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के मामले के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। आपके राशि के सप्तम भाव पर जा रहे शुक्र के गोचरी स्थितियां दृष्टियां आपके जीवन में श्रेष्ठता देने वाली है। वृषभ राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय इस समय अवधि में बेहतर रहेगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो प्रतिदिन वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र की शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए अपनी हथेली का दर्शन करना चाहिए, मां लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए और शुक्र की शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए नित्य प्रति प्रत्येक शुक्रवार को खीर का भोग आप लगाएं और श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में श्रेष्ठता और बेहतरीन संभावना दें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।